देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फिल्म एक्टर संजय मिश्रा ने कहा कोरोना बीमारी खतरनाक है, इससे बचना है। जाने माने फिल्म एक्टर संजय मिश्रा आज रामपुर पहुंचे और उन्होंने रामपुर में अलीगढ़ अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके चाहने वाले लोग भी कम नहीं थे, उनकी एक झलक देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ जमा थी। इस उद्घाटन के मौके पर हॉस्पिटल के डॉक्टर और सभी स्टाफ भी मौजूद था। उद्घाटन के बाद सभी ने संजय मिश्रा के साथ सेल्फी ली। संजय मिश्रा ने कहा कोरोना पर कुछ कहना नहीं है, दूरी मेंटेन रखना है और मास्क लगाना है, बहुत खतरनाक बीमारी है यहाँ। जनपद के रामपुर में आज बॉलीवुड के जाने माने फिल्म एक्टर जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा पूरे देश में मनवाया है, जी हाँ संजय मिश्रा यह कैसा नाम है जिन्होंने कॉमेडी में अपनी खासी पहचान बनाई है। आज कॉमेडी के बादशाह संजय मिश्रा रामपुर पहुंचे जहां पर उन्होंने एक अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी मौजूद रहे। रामपुर से रिश्ता पुराना है, पहाड़ों में ससुराल है तो रामपुर बिलासपुर होते हुए हम लोग जाते हैं ऊपर पहाड़ पे। आज एक स्पेशल कॉज से आया हूँ मैं। आज दुनिया में और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में थोड़े रिमोट इलाके में अस्पतालों की बहुत ज़रूरत है और ये अलीगढ़ अस्पताल के लिए मैं आया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझसे ये लोग इनॉग्रेशन करवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा कॉज है। सारे डॉक्टर्स सब, ये अच्छा प्रयास है। यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, यूपी के फिल्म सिटी को लेकर मैं कह चुका हूँ कि फिल्म सिटी में शूटिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो फिल्में बनेंगी वो रिलीज़ कहाँ होंगी। सरकार को थोड़ा इस पर भी सोचना चाहिए कि जब फिल्म रिलीज़ कैसे करवाएं, मतलब एक छोटे प्रोड्यूसर को हॉल तो, सिनेमा हॉल तो मिले, शूटिंग तो हम कर ही लेंगे। और अच्छी बात है यूपी में फिल्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिल्म मेकिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। उसमें क्या जैसे ये बॉम्बे और नोएडा में क्या अंतर रहेगा जी? बॉम्बे और नोएडा की फिल्म सिटी में क्या अंतर रहेगा? देखिए, बॉम्बे में फिल्म सिटी एक, क्योंकि बॉम्बे हब ही है, फिल्म वहाँ ज़्यादातर शुरू से ही बनती रही है। अब लेकिन लोग निकल रहे हैं धीरे 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 बाहर, कहीं बिहार यूपी हर जगह शूटिंग कर रहे हैं। अंतर ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि बम्बई में सारी चीज़ें, सुविधाएं, सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियंस वहीं रहते हैं। नोएडा में भी डेवलप होगा, चीज़ों को टाइम लगता है थोड़ा डेवलप होने में, तो वो रहेगा। अच्छा, ये कोरोना महामारी चल रही है जी, आप अपने दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसी महामारी है जिसका मतलब किसी ने सोचा नहीं था, ना सरकार ने सोचा था, ना जनता ने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब मास्क लगा करके एक दूसरे से दूरी मेंटेन करेंगे। तो अब ये तो एक अदृश्य सी बीमारी है जो दिखती नहीं है कि किसमें है किसमें नहीं है। इसका बस एक ही उपचार है कि थोड़ा दूरी बनाए रखें, हाथ पैर साफ रखें, बच्चों को बचाएं। सेकंड टाइम पिछले साल कुछ अलग था, इस साल बहुत सारे अपने लोग गुजरे, बहुत अपने लोगों को, अरे ये भी कोरोना से चले गए, वो भी कोरोना से चले गए। तो थोड़ा वैक्सीन वगैरह लगवा लें, हाथ धोएं, और घड़ी संकट की है तो थोड़ा बच के रहें क्योंकि आगे बहुत ज़िंदगी जीनी है हमें, हम सब इंसानों को। डॉक्टर साहब, आज अल्ट्रासाउंड सेंटर की ओपनिंग हुई है, किस तरह से और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है कि आम जनता के लिए यहाँ पर इमरजेंसी सुविधा नहीं उपलब्ध है, मतलब रात के 9 बजे के बाद कहीं पे कोई मरीज देखता नहीं है, कोई डॉक्टर मरीज को देखता नहीं है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल नहीं है रात के टाइम पे, कोई इमरजेंसी आता है, प्रेगनेंसी का केस या कोई चोट लगा हुआ केस, उसको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, तो रात में नहीं हो पाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम रात में भी इसकी सुविधा दें, वैसे तो 24 आवर्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आज अल्ट्रासाउंड सेंटर का मशहूर एक्टर संजय मिश्रा जी ने ओपनिंग की है, किस तरह की सुविधाएं यहां पर रहेंगी? सुविधाएं अल्ट्रासाउंड की, पेट की, प्रेगनेंसी की जो होती है बच्चों के, और नसों की इको करावी होती है वो भी होगी सब, और गरीबों के लिए फ्री भी होगी, जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे मजबूर होंगे उनका भी अल्ट्रासाउंड फ्री होगा। ठीक है, और मुनासिब रेट पर होगा जो जनरल अल्ट्रासाउंड होगी,
कम से 500-400 है ना, यही रेट हमारे अल्ट्रासाउंड के रहेंगे। अच्छा, आपका काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, काफ़ी सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं और अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, जो मरीज आता है काफ़ी संतुष्ट होकर जाता है। आगे कुछ नया क्या करना चाहते हैं? आगे बस एक कोशिश है कि ब्लड बैंक खोलने की कोशिश है। ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है यहाँ पर रामपुर में, बहुत प्लेटलेट मिलते नहीं हैं, ठीक है ना, और ब्लड मिलता है और मतलब मरीज को बहुत परेशान होना पड़ता है, हाई रेट में मिलते हैं ब्लड, कम बहुत ज़्यादा में पैसे लिए जाते हैं मरीज से। तो हम ये सोचते हैं कि अपने हॉस्पिटल के लिए ब्लड बैंक होना चाहिए आने वाले टाइम के लिए, ब्लड बैंक हो। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।